हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम देखेंगे डिप्लोमा फोर्थ सेम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी सॉम। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो 2022 इवेंट में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन पेपर को हम फुल्ली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको इसमें सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन को इसी वीडियो में हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम आते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, ग्रुप ए में। तो ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, द डिजाइन ऑफ थिन सिलेंडर सेल इज बेस्ड ऑन। यानी अगर हम थिन सिलेंडर सेल को डिजाइन कर रहे हैं तो वो किसके बेसिस पे हम डिजाइन करते हैं। यानी कि हमारे पास मान लेते हैं कि थिन सिलेंडर सेल है, एक मान लेते हैं यहाँ पे सिलेंडर है मेरे पास, और क्या कुछ थिकनेस होगा। तो इसको डिजाइन किया था किस बेस पे डिजाइन किया था, यानी हमारा थिन सिलेंडर। थिन सिलेंडर का मतलब क्या होता है, जिसमें थिकनेस जो होता है वो डायमीटर का, डायमीटर से यहाँ पे इसको नोट कर देते हैं, थिकनेस हमारा जो होता है वो डायमीटर से कितना होता है, डायमीटर का 20वां भाग होता है, या तो उससे 20 भाग या उससे कम का हमारा क्या होता है, थिकनेस होता है। तो अब देखिए इसमें पूछा है कि किसके बेसिस पे किया है, यानी किस स्ट्रेस के बेसिस पे आपका तीन सिलेंडर को डिजाइन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हुप स्ट्रेस। यानी हुप स्ट्रेस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, थिन सिलेंडर को डिजाइन करते हैं, क्योंकि हुप स्ट्रेस ही सबसे ज्यादा थिन सिलेंडर में इंड्यूस होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल्ड इट टू विद स्टैंड बेंडिंग विदाउट फ्रैक्चर। यानी मेटल मटेरियल का वैसा गुण जिसके बिना अब वो मतलब बिना टूटे ही वो हम बेंड कर जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। और इसका फॉर्मूला होता है ई इंटू आई, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू मोमेंट ऑफ इनर्सिया। ये हमारा क्या होता है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन है, टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी इज प्रोपोर्शनल टू। यानी टॉर्सनल रिजिडिटी पूछा है, टॉर्सनल टॉर्सनल रिजिडिटी। तो टॉर्सनल रिजिडिटी जो हमारा होता है वो क्या होता है, जी इंटू जे। तो यहाँ पे जी को जी लिख देते हैं, और हमारा जे जो होता है वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है। सोलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होता है, पाई बाई 32 डी पावर 4। तो देखिए ये इसमें क्या दे रखा है, आपको डायरेक्टली इसमें डी दे रखा है, यहाँ पे डी स्क्वायर दे रखा है, डी क्यूब दे रखा है, डी पावर 4। तो ये किस पे डिपेंडेंट है, डी पावर 4 पे। इसमें देखिए डी पावर 4 आ रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डी पावर 4 के। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द शियर स्ट्रेस ऑन द प्रिंसिपल प्लेन। यानी प्रिंसिपल प्लेन में हमारा शियर स्ट्रेस कितना होता है, एक हमारा अगर प्रिंसिपल प्लेन है तो इसमें हमारा शियर स्ट्रेस कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4th का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी जीरो। प्रिंसिपल प्लेन में हमारा शियर स्ट्रेस क्या होता है, जीरो होता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ एन एरिया विल लिस्ट अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ एन एरिया विल लिस्ट अबाउट, यानी किस एरिया में मोमेंट ऑफ इनर्सिया सबसे कम होता है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, सेंट्रल एक्सिस। यानी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होता है, हमारा कम होता है। नेक्स्ट है सिक्स नंबर, द रेशियो बल्क मॉडुलस टू यंग मॉडुलस ऑफ ऑफ फॉर अ पॉइजंस रेशियो ऑफ 0.25 विल बी। तो देखिए इसमें रेशियो किसका पूछा है, बल्क मॉडुलस टू यंग मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को हम के से दिखाते हैं, अपॉन यंग मॉडुलस को हम ई से दिखाते हैं। बल्क मॉडुलस को के लिख देते हैं, और यंग मॉडुलस को हम क्या लिखते हैं, यंग मॉडुलस को हम लिखते हैं यहाँ पे हम 3 के इंटू 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू। अब देखिए इसमें पॉइजन रेशियो आपको दे रखा है, पॉइजन रेशियो को हम म्यू से नोट करते हैं, म्यू कितना है, 0.25 दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए पहला तो ये के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1/3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू। तो 2 इंटू म्यू का वैल्यू कितना है मेरे पास, 0.25। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू ये 1 माइनस 2 में 0.25 से मल्टीप्लाई होगा, 0.5 होगा। तो 1/3 इंटू 1 में 0.5 माइनस होगा तो 0.5 ही बचेगा। तो इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं।
अब ये टू ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3, यानी 2/3 हमारा आंसर होगा। बट यहाँ पे आंसर फ्रैक्शन में पॉइंट में, तो जब 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.666 समथिंग कुछ आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए कौन सा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो रहा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो आप मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस के बारे में जानते होंगे, अगर हम स्ट्रेन एनर्जी में वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो हमको मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस मिलता है। यानी मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2e, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेन एनर्जी होता है इंटू यहाँ पे भी होता है, तो अगर हम इसमें भी से डिवाइड करेंगे तो हमको मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस मिलेगा, तो भी से भी कट जाएगा। तो फाइनली मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2e। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फॉर विच मटेरियल द पॉइजन रेशियो इज मोर देन यूनिटी। यानी कौन सा मटेरियल है जिसका पॉइजन रेशियो 1 से ज्यादा होता है। तो ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिसका पॉइजन रेशियो 1 से ज्यादा हो जाए, तो इसका करेक्ट आंसर नॉन ऑफ दी एज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन अ शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी सब्जेक्टेड टू टॉर्शन टी इज गिवन बाय। तो हमसे पूछा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ शाफ्ट डायमीटर डी सब्जेक्टेड टू टॉर्शन टी। तो यहाँ पे आपको टॉर्शन इक्वेशन यूज करना है, टी बाई जे इक्वल टू क्या होता है, टाउ बाई आर इंटू जी थीटा बाई एल। तो हमको रिलेशन किस में लेना है, टाउ जे और शियर स्ट्रेस में। तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे, तो देखिए ये टी बाई जे और आर उधर जाएगा, तो इंटू आर इक्वल टू हमारा क्या है, टाउ, क्योंकि हमको टाउ हमारा क्या होता है, शियर स्ट्रेस, और ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टी बाई जे हमारा किसके लिए, शाफ्ट के लिए बोला है, तो शाफ्ट के लिए हमारा जो जे होता है पाई बाई 32 डी पावर 4 इंटू यहाँ पे क्या है आर, तो आर को हम डी बाई 2 लिख सकते हैं। अब ये कैंसल आउट होगा 3 बार में और ये कटेगा 16 बार में, तो ये हो जाएगा 16 ऊपर चलाया जाएगा, तो 16 टी बाई पाई इंटू नीचे क्या बच गया, डी क्यू। तो 16 टी बाई पाई डी क्यू हमारा इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ सर्कुलर शाफ्ट इज गिवन बाय। तो देखिए टॉर्सनल रिजिडिटी को हम जी इंटू जे से दिखाते हैं, बट उस टर्म का कोई भी यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से इस कंडीशन से देखिए दूसरा भी यहाँ से ही निकल जाएगा। अगर हम इसका और इसका यूज करते हैं तो यहाँ से देखिए जे का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो जे हमारे पास क्या आएगा, जे हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इंटू एल बाई जी थीटा हो जाएगा। आप देखेंगे कि जे को हम उधर ट्रांसफर करेंगे, हम इन दोनों का यूज कर रहे हैं, तो टी इंटू एल बाई जी थीटा हो जाएगा। तो जी इंटू जे की जगह पे क्या है, टी इंटू एल बाई जी थीटा। अब जी से जी कैंसिल हो जाएगा तो टी एल बाई थीटा बच जाएगा, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टी एल बाई थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टी एल बाई थीटा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ट्राइंगुलर सेक्शन ऑफ बेस बी एंड हाइट एच अबाउट एन एक्सिस पासस थ्रू सी जी एंड पैरेलल टू द बेसिस। तो बेस के पैरेलल अगर लेना है तो आपने पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ इनर्सी हमारा ट्रायंगल के लिए क्या होता है, बी एच क्यू बाई 36, जहाँ पे बी हमारा बेस होता है और एच हमारा हाइट होता है अपॉन में 36। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बी एच यहाँ पे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इन थिन सिलेंडर द हुप स्ट्रेस इज गिवन बाय। थिन सिलेंडर में हम हुप स्ट्रेस को कैसे दिखाते हैं, तो हुप स्ट्रेस जो हमारा होता है इसको सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है पी डी बाई 2 टी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाय द वे अगर आपको यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी पूछ देता तो हो जाता पी डी बाई 4 टी। ध्यान रखिए जो हमारा हुप स्ट्रेस जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से ज्यादा होता है। नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 14, द वेरिएशन ऑफ सीयर फोर्स ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो अगर हम सीयर फोर्स ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक यूडीएल है, और अगर हम सीयर फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं तो सीयर फोर्स कैसा होगा, तो एक सीयर फोर्स लीनियर होता है। अगर आप बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे तो वो पाराबोलिक बनेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी यूडीएल के लिए। बट अगर आपका सीयर फोर्स है तो वो लीनियर बनेगा, और बेंडिंग मोमेंट कैसा बनेगा,
पाराबोलिक। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे शियर फोर्स पूछा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस ई, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी एंड पॉइजन रेशियो 1/m। तो इन तीनों में रिलेशन आपको बताना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ई इक्वल टू होता है 2g इंटू 1 प्लस म्यू, ई इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको कोई भी रिलेशन इस फॉर्मेट में नहीं दिया है, और पॉइजन रेशियो हमने म्यू लिया है लेकिन ये 1/म्यू दिया है। तो हम पॉइजन रेशियो की जगह पे क्या रखेंगे, 1/म्यू को रखेंगे। हम यहाँ पे आपको बता देते हैं रिलेशन से। तो हमारा क्या है, ई इक्वल टू होता है 2g इंटू 1 प्लस म्यू, बट हमको बोला है कि पॉइजन रेशियो आपका म्यू जो है उसको 1/m की तरह यूज करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, ई इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू की जगह पे 1/m रख देते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ई इक्वल टू 2g इंटू, ये m का कॉमन ले लेते हैं, m का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा m+1। अब e को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो m को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ पे m/m+1, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी केवल हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं m को। तो e इंटू m इक्वल टू 2g इंटू m+1। अब देखते हैं किस फॉर्मेट में हमको दे रखा है रिलेशन। तो रिलेशन हम चेक कर लेते हैं कैसा रिलेशन दिया है। तो रिलेशन देखिए ऐसा दिया है, जी इंटू एम इंट एम ई बाई 2 इंटू m+1, कुछ ऐसा रिलेशन है सब में। तो हम थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हम क्या कर लेते हैं ना, कि इसको ई एम बाई यहाँ पे ये जी, ये 2 जो है, 2 और m+1 यहाँ पे आएगा नीचे में, तो 2 इंटू m+1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा जी, यानी फाइनली जी इक्वल टू क्या आएगा, ई एम एम इंटू ई बाई 2 इंटू m+1। ये देखिए किस ऑप्शन में इसको चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही होगा उसको देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा है, एम इंटू ई बाई 2 इंटू m+1 जी इक्वल टू, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए अबाउट इट्स डायगोनल इच, यानी एक स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ऑफ साइड उसका ए रहे तो वो क्या होगा वो बताना है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, a/4/12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट किसके इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शियर फोर्स, यानी क्योंकि dm/dx हमारा क्या होता है, माइनस ऑफ फोर्स, माइनस ऑफ शियर फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, शियर फोर्स एट दैट सेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज डैश डैश प्रोपोर्शनल टू ट्विस्टिंग मोमेंट। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट जो हमारा थीटा है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मतलब ट्विस्टिंग मोमेंट के, ट्विस्टिंग मोमेंट हमारा जो थीटा है वो ट्विस्टिंग मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये बताना है। तो आप देखते हैं टाउ बाई जे इक्वल टू क्या होता है, अरे टी बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर इंटू जे थीटा बाई एल। तो ये जो थीटा है इस टाउ के प्रोपोर्शनल ही है क्योंकि दोनों सेम वे में है, यानी थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्विस्टिंग मोमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डायरेक्टली, 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेयर शियर फोर्स चेंजिंग साइन द बेंडिंग मोमेंट विल बी। अगर आपका शियर फोर्स, जैसे आप अगर शियर फोर्स साइड है ड्रॉ किए और आपका क्या हुआ कि यहाँ पे शियर फोर्स का साइन मतलब जैसे यहाँ पॉजिटिव था और ये निगेटिव आ गया, तो जहां पे साइन चेंज होता है वहां पे शियर फोर्स जीरो हो गया। इसका मतलब है कि वहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो जहां पे शियर फोर्स जीरो होता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है, और स्ट्रिंग बार इज फिक्स्ड एट बोथ एंड, इफ द बार इज हीटेड इट विल डेवलप। अगर बार को हम हीट करें तो उसमें क्या डेवलप होगा। पहले तो ये बोला है कि एक स्टील बार है जिसको दोनों तरफ से क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया। यहाँ पे एक स्टील बार है और इसको दोनों तरफ से क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया, फिर इसको हीट किया जा रहा है। तो हीट करने से क्या होता है, हमारा इलोंगेशन होता है, बट यहाँ पे फिक्स है तो
तो ये इलोंगेट तो करेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा। इसमें क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो यहाँ पे दो रीजन, दो तरीके हैं। जैसे कि अगर आप क्या करते हैं, स्टील बार को अगर फिक्स है और उसको आप मतलब उसमें आप टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर जितना बढ़ाएगा उसमें क्या होगा, कंप्रेशन, और जितना ज्यादा टेम्परेचर घटाएगा उसमें क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। तो अभी हमको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हीटेड किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, तो इसमें कौन सा नेचर आएगा, स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, डिफाइन क्या पूछा है, रेजिलियंस और थर्मल स्ट्रेस। तो इसके बारे में हम बता देते हैं, रेजिलियंस जो होता है वो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो स्ट्रेन एनर्जी में आप वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, रेजिलियंस मिलता है। थर्मल स्ट्रेस क्या है कि जब आप किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसके डायमेंशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आता है, तो इस तरह से जो उसमें फोर्स इंड्यूस होता है उस फोर्स को बोलते हैं हम थर्मल स्ट्रेस, या उसमें इस तरह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है उस स्ट्रेस को हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। जब हीट किया जाए तब ड्यू टू टेम्परेचर के कारण जो स्ट्रेस होता है उसको हम थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सिग्निफिकेंस क्या है ये। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में आप थोड़ा सा जान सकते हैं कि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, कि हम मान लीजिए कि कोई भी चीज बना रहे हैं तो वो कब टूटेगा या कितना लोड उस पर हम डाल सकते हैं, कितना स्ट्रेस उस पर हम डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यूज करते हैं, ताकि हमें पीपल, जैसे कि हम कोई मान लेते हैं सड़क बना रहे हैं तो सड़क पे कितने आदमी जा सकते हैं, तो वो डिसाइड करता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यानी कि आपके बोल सकते हैं कि सेफ्टी बढ़ाना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक तरह से हो गया आपका सेफ्टी बढ़ाता है कि हम जो मटेरियल बना रहे हैं, जो चीज बना रहे हैं वो ज्यादा दिन तक वर्क कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर देखते हैं, विथ नेट एस्केच गिव द नेम ऑफ एनी फोर टाइप्स ऑफ बीम। नेट एस्केच के अकॉर्डिंग आपको फोर टाइप्स के बीम बताने हैं, बीम बताने हैं। तो पहला देखिए, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम। दूसरा ये आपका कैंटिलीवर बीम हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, कैंटिलीवर। तीसरा आपका ये फिक्स्ड बीम हो गया, चौथा आपका ये ओवर हैंगिंग हो गया, इसको बोल सकते हैं ये कौन सा हो गया, ओवर हैंगिंग, ये फिक्स्ड हो गया। तो चार टाइप्स के ही पूछा था, तो नेट स्केच बना के आप चारों का नाम लिख सकते हैं, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट और पार्ट, ड्रॉ अ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ SML विद पॉइंट लोड W एंड मिड SM। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है किसका, सिंपली सपोर्टेड बीम का, जिसपे लोड SPM जिसका L है और पॉइंट लोड W लग रहा है मिड SPM के। तो इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं ऐसे। चलिए अब हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम एक बना लेते हैं। अब बोला है कि इसके मिड स्पेन में हमारा क्या लग रहा है, डब्ल्यू लोड लग रहा है, और इसका लेंथ हमारा क्या है, एल है। मान लेते हैं ये पार्ट है हमारा, बी पार्ट है और यहाँ पे सी क्रॉस सेक्शन है। तो आपको इसका सीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो देखिए, सीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि इसमें लोड कितना लगा वो पता होना चाहिए, कितना लोड लगा वो पता होना चाहिए। देखिए ये मिड स्पेन में है, यानी कि इधर से लेंथ एल बाई टू होगा और ये भी एल बाई टू होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ए और बी पे कितना लोड है, यानी ये आर ए रिएक्शन है, इसको मान लेते हैं हम आर ए, और इसको मान लेते हैं हम आर बी रिएक्शन है। तो आर ए पे अगर आप रिएक्शन निकालेंगे तो देखिए पॉइंट लोड है और टोटल ओवर लेंथ पे लग रहा है, मतलब आधे आधे पार्ट में, तो ये लेंथ, ये लोड क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई टू, डब्ल्यू बाई टू हो जाएगा ना, क्योंकि बीच में लग रहा है तो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होके क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई टू, डब्ल्यू बाई टू हो जाएगा। अब शियर फोर्स निकालेंगे एट ए, तो शियर फोर्स ए पे कितना लग रहा है, डब्ल्यू बाई टी, तो ऊपर की तरफ लग रहा है, प्लस का डब्ल्यू बाई टू। शियर फोर्स हम निकाल लेते हैं बी सी पॉइंट पे, ये हमारा बीच का सी पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे देखिए, तो पहले तो डब्ल्यू बाई टू है माइनस ये ऊपर का डब्ल्यू, इसको माइनस करेंगे तो माइनस डब्ल्यू बाई टू आएगा। उसके बाद फिर देखते हैं शियर फोर्स एट बी, तो शियर फोर्स एट बी, शियर फोर्स हमारा, अच्छा शियर फोर्स सी टू बी, अगर हम शियर फोर्स सी से बी तक जाते हैं तो उसके बीच में कोई लोड नहीं है, यानी माइनस डब्ल्यू बाई टू ही रह जाएगा। उसके बाद
शियर फोर्स बी पे जाएगा, तो बी पे निकालने की जरूरत नहीं है, सी से बी हम लोग चले गए। तो अब सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, उसके बाद ये ए पॉइंट है, ये बी सी पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट। ए पे हमारा जो है वो डब्ल्यू बाई टू का है, तो प्लस का डब्ल्यू बाई टू ले लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, प्लस का डब्ल्यू बाई टू हो गया, डब्ल्यू बाई टू। उसके बाद सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे माइनस डब्ल्यू बाई टू है, यानी इस पॉइंट पे माइनस डब्ल्यू बाई टू है। और उसके बाद यहां से देखिए, ये जो ए से लेके सी तक है, इसके बीच में कोई लोड नहीं है, तो ये कॉन्स्टेंट यहां तक जाएगा। लोड जिसके बीच में कोई लोड नहीं रहता है वो कॉन्स्टेंट जाता है। अब फिर इसके बाद सडन अप्लाई हुआ लोड तो कहाँ पे चला गया, माइनस डब्ल्यू बाई टू पे। अब सी से भी देखिए माइनस डब्ल्यू बाई टू है, तो ये माइनस डब्ल्यू बाई टू यहाँ तक, और फिर ये बी पे जाके जीरो हो जाएगा। तो ये आपका हो गया शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब हम लोग को कौन सा ड्रॉ करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह ड्रॉ करेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हमको सबसे पहले बीएम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए जीरो होगा, जब भी कोई बीम है उसका फ्री एंड अगर रहे तो फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या होता है, जीरो। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पे भी देखिए फ्री एंड है, तो पॉइंट बी पे भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो बस हमको बेंडिंग मोमेंट सी पे निकालना है। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, तो सी पॉइंट पे देखेंगे तो ये जा रहा है इस तरह, सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट ये इस तरह जा रहा है, डब्ल्यू बाई टू, और किस पे लग रहा है, एल बाई टू लेंथ पे। तो हमारा कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाई टू इंटू एल बाई टू पे, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई फोर, डब्ल्यू एल बाई फोर हमारा यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा सी पॉइंट पे। तो इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए ए और बी पे हमारा बेंडिंग मोमेंट जीरो है, इस पे भी जीरो है, ये हमारा ए है, ये हमारा सी है, और ये हमारा बी है। तो ए और बी पे हमारा तो जीरो है, लेकिन सी पे कितना है, डब्ल्यू एल बाई फोर, तो यहाँ पे ये डब्ल्यू एल बाई फोर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंक्लाइंड से मिलाएंगे, क्योंकि इस अगर पॉइंट लोड होता है तो उसको हम इंक्लाइंड लाइन से मिलाते हैं। तो इसको इस तरह मिला देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेंडिंग मोमेंट, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, शियर फोर्स हो जाएगा। तो एस एफ डी और बी एफ डी हमने बना दिया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें पॉइंट लोड मिड स्पैन पे लग रहा है, तो उसमें उसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो। तो उसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखिए क्या है, डब्ल्यू एल बाई फोर, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम किस पे है, डब्ल्यू एल बाई फोर पे। तो ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड का हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपसे क्या पूछा है, राइट एजम्पशन टेक द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। तो थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग में हमारा क्या एजम्पशन है उसको लिखना है। तो इसमें बहुत सारे एजम्पशन है, हम आपको एक दो बता देते हैं। पहला इसमें एजम्पशन ये होना चाहिए कि मटेरियल जो आपका रहना चाहिए, मटेरियल जो रहना चाहिए होमोजेनियस होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए, और साथ साथ वो आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। आइसोट्रॉपिक यानी हर एक कंडीशन में, हर एक डायरेक्शन में मटेरियल का जो बोल सकते हैं कि कंपोजिशन जो है वो हर एक डायरेक्शन या हर एक टर्म में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दूसरा कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम सिंपल बेंडिंग के लिए थे बना रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं हमारा ये शाफ्ट है, इसको सिंपल बेंडिंग के टर्म में ले रहे हैं, तो हमारा मटेरियल का जो क्रॉस सेक्शन है या मटेरियल जो हमारा है वो क्या रहना चाहिए, स्मूथ रहना चाहिए। इस तरह से बोल सकते हैं कि मटेरियल हमारा डिफॉर्मेबल होना चाहिए। सिंपल बेंडिंग में हमारा मटेरियल भी क्या होना चाहिए, डिफॉर्मेबल होना चाहिए। और एक दो एग्जांपल आप लिख सकते हैं और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। उसके बाद इसका और वाला पार्ट है, सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 2 मीटर कैरीज अ पॉइंट लोड 4 किलो न्यूटन एट मिड स्पैन इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम इज 40 × 30 mm² फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस इन द बीम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम है, स्पैन 2 मीटर है, और लोड यहाँ पे 4 किलो न्यूटन है। तो एल और लोड का वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे हम इसको नोट कर लेते हैं। एल का वैल्यू दे रखा है कितना, 2 मीटर। 2 मीटर को हम एमएम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 2000 mm हो जाएगा। लोड हमारा यानी डब्ल्यू हमारा कितना दे रखा है, 4 किलो न्यूटन।
तो इसको चेंज करेंगे तो 4 × 10³ न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद एट मिड स्पेन यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम में मिड स्पेन पे हमारा लोड लग रहा है। इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम इज 40 × 30 mm², तो क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम जो हमारा है, बीम का जो क्रॉस सेक्शन है, ये मान लीजिए हमारा बीम है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो 40 × 30 mm का स्क्वायर है, यानी इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका 40 × 30 का, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो आपसे इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा। तो पहले देखिए ये सिंपली सपोर्टेड है और जो लोड लग रहा है वो इसके मिड स्पैन पे लग रहा है। मिड स्पैन का मतलब ये 2 मीटर का लेंथ है, तो 1 मीटर के डिस्टेंस पे हमारा क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, ये हमारा लोड लग रहा है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस बताना है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हमारा टाउ जो होता है वो m/i × क्या होता है, y। ये मैक्स निकालना है तो मैक्सिमम हो जाएगा। अब देखिए हमको इसमें क्या निकालना है, m/i और y, अगर इसका वैल्यू निकाल लिए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम लाइन से करते हैं, m का वैल्यू निकालना है। तो m हमारा मोमेंट है, तो अभी हमने बताया था कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम के बीच में अगर मिड स्पैन पे लोड w या कुछ भी लग रहा है, ये हमारा 4 × 10³ न्यूटन का लोड लग रहा है, तो हमारा वहां पे जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है वो कितना होता है, देखिए WL/4। तो हमारा एम जो हो जाएगा WL/4 हो जाएगा, तो W हमारा 4 × 10³, L का वैल्यू कितना है, 2, 2 नहीं, यहाँ पे L का वैल्यू 2000 यूज करेंगे, mm में सबको ले रहे हैं, अपॉन 4, इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁶, ऐसे बोल सकते हैं ना, 2 और यहाँ पे 30, यहाँ पे 10³, तो 10⁶ न्यूटन mm हमारा क्या आ गया, मोमेंट आ गया। उसके बाद अब नीचे क्या है हमारा आई, आई हमारा होता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया। आप देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर बार है, तो रेक्टेंगुलर के लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है BD³/2L। तो B का वैल्यू 40, D का वैल्यू 30³/2L, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, इसको चेक करते हैं कितना आ रहा है, तो इसको करेंगे अगर हम, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, क्वेश्चन है ये हमारा, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 9.4 × 0 mm/4, ये हमारा क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। अब वाई मैक्स क्या होता है, तो वाई मैक्स हमारा न्यूट्रल एक्सिस से फाइबर के बीच का डिस्टेंस, यानी ये वाई होता है मैक्स। तो वाई देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 30 है, तो इसका आधा हो जाएगा 30/2 यानी 50। तो अब देखिए हमको क्या करना है, एम की जगह पे वैल्यू रखना है 2 × 10⁶ बाई आई की जगह पे क्या रखना है, 9 × 4 × 0, वाई मैक्स हमारा क्या हो जाएगा, 15, तो यहाँ पे 15 रखते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा 333.33 न्यूटन पर mm² हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया फॉर अ हॉलो शाफ्ट विथ इंटरनल डायमीटर डी एंड एक्सटर्नल डायमीटर डी एंड इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी हैविंग लेंथ एल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्रेशन डिराइव करना है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया के लिए, यानी जे के लिए, फॉर हॉलो शाफ्ट, हॉलो शाफ्ट के लिए विथ इन एक्सटर्नल डायमीटर डी एंड इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि कैसे इसको करना है। देखिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया जे जो हमारा होता है वो, अगर मान लेते हैं कि वो क्या होता है हमारा, तो ये हमारा होता है मान लेते हैं सर्कुलर कोई शाफ्ट है, तो π/4/32, तो हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए कुछ नहीं होता है, ये हो जाएगा आपका π×D⁴ − d⁴ π/32, यहाँ पे 32। तो इसी एक्सप्रेशन को आपको डिराइव करना है, तो आपका ये क्या बन जाएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो ये हमारा फिफ्थ हो गया, फिफ्थ का और पार्ट देखते हैं।
और सॉलिड्स आप ट्रांसमिट टॉर्क 25 किलो न्यूटन मीटर, कैलकुलेट डायमीटर ऑफ अलाउेबल सीयर स्ट्रेस इज 90 मेगा पास्कल। तो यहाँ पे हमको डायमीटर डी कैलकुलेट करना है और टॉर्क यहाँ पे 25 किलो न्यूटन मीटर है। यहाँ पे फिर से हमको स्ट्रेस दे रखा है 90 मेगा पास्कल, तो इसको नोट डाउन करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है आपके पास, क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे कि आपका प्रेशर जो है वो कितना है। यहाँ पे नोट करते हैं, सबसे पहला क्या दे रखा है, टॉर्क 25 किलो न्यूटन। तो टॉर्क हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं 25 किलो न्यूटन, टॉर्क हमारा 25 किलो न्यूटन मीटर। इसको एमएम में चेंज कर लेते हैं, तो 25 किलो को चेंज करेंगे तो into 10 to the power 3, और मीटर को एमएम में चेंज करेंगे तो 10 to the power 3, ये हो जाएगा न्यूटन। यानी 25 into 10 to the power 6 न्यूटन एमएम हमारा क्या है, टॉर्क है। हमको तो यहाँ पे निकालना है डायमीटर, और हमको पी यानी प्रेशर दे रखा है यहाँ पे, कितना प्रेशर दे रखा है 90 मेगा पास्कल। तो 90 मेगा पास्कल यानी इसको हम 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हमको यहाँ पे डायमीटर कैलकुलेट कर। तो देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि टी बाई जे इक्वल टू क्या होता है, टी बाई जे इक्वल टू होता है सीयर स्ट्रेस बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। तो फाइनली हम इन दोनों का यूज करके यहाँ पे रिलेशन निकाल सकते हैं, टी बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर। यहाँ पे प्रेशर नहीं दे रखा है, 1 मिनट, ये आपका अलाउेबल सीयर स्ट्रेस दे रखा है 90 मेगा पास्कल। तो यहाँ पे पी नहीं लिखेंगे इसको, सीयर स्ट्रेस यानी ये लिखेंगे सीयर स्ट्रेस टाउ। अब देखिए टी टॉर्क हमारा कितना है, 25 into 10 to the power 6, तो 25 into 10 to the power 6 जी, जी हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फोर्स सर्कुलर शाफ्ट के लिए पाई बाई 32 d पावर 4 इक्वल टू टाउ, हमारे पास 90 बाई आर, आर को हम d/2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 से कैंसिल आउट करेंगे ये 16 बार, तो ये 16 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 into 10 to the power 6 इंटू ये 16 बाई, ये डी से डी कटेगा तो क्यूब हो जाएगा पाई इंटू ये 90 नीचे चला जाएगा 90 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, डी क्यूब बच जाएगा, तो डी क्यूब बच जाएगा। तो यहाँ पे क्यूब हटाएंगे इधर से तो क्या हो जाएगा, इसके पावर में 1/3 आ जाएगा, इसके पावर में क्या आ जाएगा, 1/3। अब इसको कैलकुलेटर से डाल के हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डायमीटर जो आ रहा है वो 112.259 mm आ रहा है, तो ये आपका डायमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर हुप स्ट्रेस इन थिन सिलेंडर सेल डायमीटर डी हैविंग थिकनेस डी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम डेरिवेशन, 4-5 जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है वो डेरिवेशन आपको कराने वाले हैं, तो आप कमेंट करिएगा, ताकि हम आप कमेंट करिए कि हम वो वीडियो अपलोड करें आपको। और यहाँ पे आपको हुप स्ट्रेस बताना है, तो हुप स्ट्रेस देखिए, हुप स्ट्रेस जो होता है हमारा थिन सिलेंडर के लिए वो क्या होता है, हुप स्ट्रेस जो होता है हमारा क्या होता है, PD/2T होता है। तो बस ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो न्यूमेरिकल इससे एक बन जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 का और पार्ट, अ थिन स्फेरिकल शेल 2 मीटर डायमीटर, तो डायमीटर है 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 2000 mm एंड 12 mm थिक, एंड थिकनेस टी हमारा 12 mm। यहाँ पे देखिए थिन स्फेरिकल सेल बोला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्फेरिकल सेल होना और सिलेंडर होना दोनों में काफी डिफरेंस है। इंटरनल प्रेशर यहाँ पे 2 मेगा पास्कल, यानी प्रेशर हमारे पास 2 मेगा पास्कल है, तो 2 न्यूटन पर mm² उसको बोल सकते हैं। कैलकुलेट हुप स्ट्रेस, यानी यहाँ पे हुप स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, तो आप अगर यहाँ ये फॉर्मूला यूज करते हैं PD/2T तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे थिन सिलेंडर बोला है, तो थिन सिलेंडर के लिए हुप स्ट्रेस PD/4T होता है। पी हमारा कितना हो जाएगा, 2 into T हमारा कितना दे रखा है, 2000/4 into T का वैल्यू 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 1000 बार में। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं, डिवाइड किस में करना है, ये हमारा 1000/12, तो ये हमारा कुछ ऐसा आएगा 83.33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, हुप स्ट्रेस हो जाएगा।
अब ग्रुप सी में आता है, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस ई, शियर मॉडुलस ई एंड पॉइजन रेशियो म्यू, इन तीनों के बीच आपको रिलेशन डिराइव करना है। नेक्स्ट है ड्रा स्ट्रेन एनर्जी कर्व कास्ट आयरन एंड एक्सप्लेन इट्स पॉइंट। स्ट्रेन एनर्जी का स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। कुछ ऐसा डायग्राम होता है, आपने पढ़ा भी होगा, ये कुछ ऐसा डायग्राम आपका स्ट्रेस स्ट्रेन का होता है, तो इसमें हर एक पॉइंट को आपको डिस्क्राइब भी करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास क्या पूछा हुआ है, अ बीम 3 मीटर लॉन्ग हैज रेक्टेंगुलर सेक्शन 50 mm विड्थ 30 mm डेप्थ इज सिंपली सपोर्टेड एट द इन इज कैरी अ पॉइंट लोड 1 kN एट मिड स्पेन। मिड स्पेन पे फिर भी है, डिटरमाइन मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस इन द बीम। सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपको क्या दे रखा है ना कि आपसे बोला है कि बीम एक 3 मीटर लॉन्ग है, लेंथ उसका 3 मीटर है, 3000 लिख लीजिए एमएम हो जाएगा, और रेक्टेंगुलर सेक्शन 50 mm इंटू 30 mm का है, यानी एरिया इसका 50 × 30 का है। सिंपली सपोर्टेड एट इंड इट कैरी अ पॉइंट लोड ऑफ 1 kN, यानी पॉइंट लोड इस पे बोल सकते हैं डब्ल्यू कितना लग रहा है 1 kN, तो किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करेंगे तो 10³ न्यूटन हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है हमसे कि आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, क्या आपको कैलकुलेट करना है डिटरमाइन मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस में क्या बताया था, टाउ इक्वल टू एम बाई आई एन टू वाई, एम बाई आई इंटू वाई, ये आपका मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होगा। तो यहाँ पे आपको एम निकालना है। देखिए मिड स्पेन फिर से बोला है, तो मिड स्पेन में सिंपली सपोर्टेड के लिए होता है WL/4, तो WL/4 यहाँ पे यूज करेंगे, WL/4 करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो W दे रखा है 1 × 10³, L आपका 3000/4, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ से आपका आ जाएगा ये कितना 750 × 10³ न्यूटन एमएम, ये आपका मोमेंट आ गया। आई निकालना है, तो आई हमने बताया कि BD³/12 होगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर गोला भी हुआ है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे बी का वैल्यू रखेंगे 50 और डी का वैल्यू रखेंगे 30, तो सॉल्व करने पे आएगा आपका 11.25 mm टॉप होल, और वाई आपका क्या हो जाएगा, ये जितना डेप्थ है उसका आधा पार्ट, यानी 30 का आधा पार्ट कितना हो जाएगा 15। अब ये सबको यहाँ पर रखेंगे, एम आपका 750 × 10³, आई आपका 11.25 mm, वाई आपका 15, वाई कितना हो गया 15, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आपका रहा है 100 Nm², ये आपका मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट सेक्शन मॉडुलस ऑफ सॉलिड शाफ्ट डायमीटर डी, हॉलो शाफ्ट ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर डी एंड इंटरनल डायमीटर डी, तो इसको आपको देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ड्रा शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर लोडेड एज शो इन फिगर, तो चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे इसका ले लेते हैं प्रोजेक्शन नीचे की तरफ और यहीं पे इसको ड्रॉ कर देंगे। तो इसमें हमको क्या करना होता है, कैंटिलीवर में रिएक्शन नहीं निकालता निकालना होता है, इसका पॉइंट देते हैं बी, ये सी, ए बी और ये सी और ये डी, तो ऐसे पॉइंट बी पे जो हमारा होगा इसमें लेफ्ट साइड बी पे पॉइंट पे बी पॉइंट पे 0 होगा क्योंकि यहाँ पे लोड नहीं लग रहा है। अब ऐसे फैट बी देखेंगे अगर इस डी पॉइंट पे 5 kN का एरियल लग रहा है 2 मीटर पे, तो 5 × 2 हो जाएगा कितना 10। अब ऐसे जो हमारा डी से सी होगा इसके बीच में कोई लोड नहीं है तो 10 ही रहेगा। फिर ऐसे हमारा किसके यहाँ पे सी पॉइंट पे, तो ऐसे हमारा सी पॉइंट पे पहले 10 था और फिर ये 10 नीचे की तरफ लग रहा है, तो अब ये कितना हो जाएगा उसको देखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक मिनट, ये माइनस का 10 होगा, नहीं प्लस का ही 10 होगा, ठीक है। यहाँ पे SF, अब हमको क्या पर निकालना है, SF at C पे हम निकाल रहे हैं, तो C पे देखिए 10 न्यूटन का लग रहा है और यहाँ से भी ये 10 है, तो 10 और 10, 10 प्लस 10 हो जाएगा ये कितना 20। फिर SF हमारा C टू A, C से लेके A के बीच कोई लोड नहीं है तो हमारा 20 ही रह जाएगा, तो अब इसका SF जो बनेगा कुछ इस टाइप का हो जाएगा, SF डायग्राम जो बनेगा कुछ इस टाइप का, ये हमारा A बी सी डी, ए पॉइंट पे हमारा ऐसे कितना आया 20, ये 0 से 20 जाएगा, फिर ये ऐसा जाएगा, और सी पॉइंट पे कितना आ गया 20 ही है, और फिर डी टू सी यहाँ पे कितना आ रहा है 10,
ये 20 है, ये 20 है, फिर ये 10 ऐसे जा रहा है। और यहाँ पे देखिए यूडीएल लगा हुआ है, तो यूडीएल को हम इनक्लाइंट से दिखाते हैं, और ये यहाँ पे वी पे 0 है, तो ये आपका क्या हो गया, शियर फोर्स डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका क्या होगा, तो बेंडिंग मोमेंट बी एम एट प्री इंट 0 होता है, तो प्री इंट बी है तो बी पे 0 हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट एट लेते हैं हम किस पे, डी पे, बेंडिंग मोमेंट एट डी, तो डी पॉइंट पे अगर हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे, तो ये 5 किलो न्यूटन का यूडीएल लग रहा है किस पे, टू पे, तो 5 × 2 = 10। अब डिस्टेंस हमेशा आधा लेते हैं, तो 1, और माइनस में होगा क्योंकि राइट साइड में क्लॉकवाइज है, तो -10 हो जाएगा। फिर बी एम एट हम निकाल लेते हैं किस पे, सी पे, तो बी एम एट सी अगर हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -10 × 2 हो जाएगा। देखिए इसका आधा एक हो गया और ये एक यहाँ पे, तो एक और एक दो, तो -20 हो जाएगा। फिर बी एम एट ए निकाल लेते हैं, तो इस ए पॉइंट के अबाउट 10 हमारा 1 मीटर पे, तो -10 × 1 -5 × 2 = 10, 10 × ये 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर × 3, इसको सॉल्व करेंगे तो -40 आएगा। अब इसका हम बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसको जब ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ए बी, ये हमारा सी, ये हमारा डी। ए पे जीरो नहीं है, ए पे हमारा -40 है, तो -40 नीचे चले जाते हैं। फिर आपका सी पे है -20, तो सी पे आपका -20 यहाँ पे आ जाते हैं, और इस पे है डी पे 10, डी पे 10 आ जाते हैं, और इस पे है 0। यूडीएल में आपको पैराबोलिक दिखाना है, बाकी सारे इंक्लाइन बनाने हैं, बाकी सारे कैसे बनाने हैं, इंक्लाइन। तो ये आपका क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और एसएफडी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, अ कैंटिलीवर बीम विद एसपीएम 4 मीटर, यानी एल आपका 4 मीटर का है, पॉइंट वन एंड थ्री इट मैक्सिमम स्लोप इज 2.1 डिग्री, यानी dy/dx आपको दे रखा है कितना, 2.1 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 2.180 पाई अपॉन 180 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर तो कितना आएगा, सॉल्व करने पे आ रहा है 0. आप इसको लिख लेते हैं 0.03667, ये हमारा क्या आ गया, डिफ्लेक्शन, बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे स्लोप आ गया। स्लोप को हम दिखाते हैं कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं, कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे लोड लग रहा है जो डब्ल्यू का, तो यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है ना, dy/dx जो होता है हमारा किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2EI, इसका वैल्यू आपका ये हो गया 0.3667। अब हमको निकालना है WL³/3EI, क्यों, क्योंकि हमको क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है, और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला कैंटिलीवर के लिए ये यूज होता है। इसको हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं WL² / 2EI इंटू यहाँ पे 2L/3। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया, WL² / 2EI का वैल्यू 0. कितना है, 0.3667 इंटू 2L का वैल्यू मेरे पास दे रखा है 4/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो डिफ्लेक्शन आपका आ रहा है ना, ये आ रहा है 0.0977 mm, या इसको mm में लाना है अगर, तो mm में कितना हो जाएगा, mm में हो जाएगा y = 97.7। तो इस तरह से आप डिफ्लेक्शन यहाँ पे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 10, ड्राइव द टॉर्शन इक्वेशन ऑफ शाफ्ट T/J R/W/R, ये मतलब हमको पर्सनल इक्वेशन का डेरिवेशन करना है, तो ये थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, नेक्स्ट वीडियो में आपको डेरिवेशन भी हम करा देंगे। इसका और वाला पार्ट देखते हैं, अ हेलिकल स्प्रिंग इज मेड ऑफ 10 राउंड, यहाँ पे मेड ऑफ 10 mm डायमीटर स्टील वायर वुड 110 mm डायमीटर मटेरियल, इफ देयर आर 10 एक्टिव कॉइल कैलकुलेट स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स रिक्वायर्ड टू इलॉन्गेट द स्प्रिंग बाय 30 mm, टेक C = 85 GPa, सी को आप मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम यहाँ पे, स्पेस ले लेते हैं यहाँ पे, देखिए हमको क्या क्या गिवन है, तो दे रखा है डायमीटर जो वायर का है वो 10 mm है, और कॉइल का डायमीटर उसको मान लेते हैं कैपिटल डी वो 110 mm है, तो इसका आर कितना हो जाएगा, 55 mm हो जाएगा इस केस में। तो अब हमको आर 55 हो गया, और 10 नंबर ऑफ एक्टिव रिवोल्यूशन यानी एन का वैल्यू 10 है,
सबसे पहला, और एक हमको सी दे रखा है कितना, 85 गीगा पास्कल, तो इसको चेंज करेंगे तो 85 × 10²³ आपका न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हमारा ये हो जाएगा। पहला पूछा है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट हम किससे निकालते हैं, के से। तो हमारा के जो होता है, हमको क्या निकालना है, के जो हमारा होता है जी डी सी इंटू डी पावर 4/64 इंटू आर क्यूब इंटू एन। तो सी का वैल्यू 85 × 10³, डी का वैल्यू हमारा स्मॉल डी यूज करना है, तो स्मॉल डी हमारा 10 है, 10³, 10⁴/64, आर क्यूब, आर का वैल्यू 55, इसका क्यूब इंटू एन हमारा 10 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ रहा 7.9827 न्यूटन पर एमएम हमारा क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। दूसरा निकालना है फोर्स रिक्वायर्ड टू इलोंगेट। तो फोर्स यानी हमको क्या निकालना है, फोर्स रिक्वायर्ड यानी कि अगर हमारा एक स्प्रिंग है तो इसको इलोंगेट करने के लिए कितना फोर्स लगाना होगा, तो वो फोर्स हमको डब्लू निकालना। तो आपने पढ़ा होगा डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला जो होता है, वो होता है डिफ्लेक्शन इक्वल टू लोड बाई डिफ्लेक्शन इक्वल टू लोड बाई ये स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हमको निकालना क्या है, लोड, तो लोड इक्वल टू हो जाएगा डिफ्लेक्शन इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट की। अब देखिए क्वेश्चन में आपको डिफ्लेक्शन दे रखा है, यहाँ पे बोला है इलोंगेट द स्प्रिंग बाई 30 mm, यानी 30 mm इसका इलोंगेशन है, यानी डेल जो हमारा है वो 30 mm का है। अब डेल की जगह पर रख लेते हैं 30 mm, 30 mm इंटू ये के का वैल्यू 7.9827। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 239.481 हमारा न्यूटन क्या आ रहा है, लोड आ रहा है या फोर्स आ रहा है जो फोर्स चाहिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो पूछा है अ हॉलो सिलेंडर ड्रम 750 mm इन डायमीटर, 3 मीटर लॉन्ग, हैज थिकनेस ऑफ 10 mm। इफ द ड्रम इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर ऑफ 2.5 MPa, डिटरमाइन चेंज इन डायमीटर, चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम, टेक ई इक्वल टू 2 × 10⁻¹ पास्कल एंड पॉइजन रेशियो 0.3। तो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो पहला इसमें डायमीटर दे रखा है 750 mm, लेंथ कितना दे रखा है 3 मीटर यानी 3000 mm, उसके बाद थिकनेस हमको दे रखा है 10 mm, फिर प्रेशर भी दे रखा है आपको 2.5 MPa यानी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। डिटरमाइन चेंज इन डायमीटर यानी डेल डी कैलकुलेट करना है, चेंज इन लेंथ यानी डेल एल कैलकुलेट करना है, चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल वी कैलकुलेट करना है, ये तीनों आपको चीजें कैलकुलेट करनी है। तो पहला आपका चेंज इन डायमीटर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए चेंज इन डायमीटर को हम दिखाते हैं इससे, या इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं। इवन चेंज इन डायमीटर जो हमारा होता है वो पीडी बाई 4TE इंटू 2 - μ हो जाएगा, 2 - μ। अब आपको क्या करना है ना कि यहाँ से अगर आप डेल डी निकालेंगे तो ये डी उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी इंटू डी स्क्वायर बाई 4TE या पी डी बाई 4TE इंटू 2 - μ इंटू ये डी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब म्यू का वैल्यू भी आपको दे रखा है कितना 0.3, तो म्यू की जगह पे आप 0.3 रखेंगे, डी की जगह पे 750, टी और ई का सारा वैल्यू मिल चुका है, और ई हमारे पास कितना है देखिए 2 × 10⁻¹ पास्कल है, तो पास्कल को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁶ से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 10⁻¹, 10⁻⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगा। अब इन सारे वैल्यू को जब यहाँ पे रखेंगे तो चेंज इन डायमीटर आपका कितना आ जाएगा 0.2988, इस तरह से आपका चेंज इन डायमीटर निकलेगा। अगर मान लेते हैं आपको चेंज इन लेंथ निकालना है, तो चेंज इन लेंथ आपको कुछ नहीं होगा, पी डी बाई 4TE इंटू 1 - 2 μ इंटू यहाँ पे आपको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना। तो जब आप इसमें सारा वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यू आएगा कितना, इसको बता देते हैं हम 0.28125 mm, ये आपका चेंज इन लेंथ हो जाएगा। और चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो वो हो जाएगा पी डी बाई 4TE इंटू 5 - 4 μ इंटू बी, बी यहाँ पे वॉल्यूम लेना, तो वॉल्यूम को आप 5/4 d² इंटू एल लिख सकते हैं। अब इन सब का वैल्यू रखिएगा तो डी डेल भी आपका आएगा कितना, डेल भी आपका आ जाएगा 1.2
यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1.8, यहाँ पे लिख लेते हैं 11.7956, 9.86 mm³, ये आपका डेढ़ धीमे इलोंगेशन आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको, अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, हम आपको क्वेश्चन का रिप्लाई भी देंगे। सो आशा करते हैं आपके लिए ये सब वीडियो हेल्पफुल रहे। तो इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट जो जो भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट करके बताएं, हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।